वास्तुशास्त्र के अनुसार जीवन में ऐसे कई कार्यों के बारे में बताया गया है जिनको करने से हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको करने से नवग्रह को शांत किया जा सकता है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 से चर्चा में बताया कि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन पर बहुत ही खास प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कुंडली में ग्रहों को बदलने से भी हमारे जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आपके पास धन की कोई यदि कमी नहीं है, सुख सुविधाएं भी आपके पास सभी उपलब्ध हैं, व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ होता है, या आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी आप उच्च पद पर विराजमान हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आप परेशान रहते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, मानसिक शांति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं जिन उपायों को करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आप आपके जीवन में सकारात्मकता को महसूस करेंगे और सुख शांति भी आपको प्राप्ति होगी। पहला उपाय यह है कि नियमित रूप से सायंकाल को आपको अपने देवालय में मंदिर में पूजन के स्थान पर शुद्ध घी के दीपक के साथ साथ सरसों के तेल का दीपक भी लगाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि जो जीव हैं, गौ माता हो या पक्षी हो या कुत्ते हो, इनको भोजन सामग्री देना चाहिए। पक्षियों के लिए दाना डालिए, गौ माता को हरा चारा दीजिए, कुत्ते को ब्रेड दीजिए, बिस्किट दीजिए, रोटी दीजिए, इस प्रकार इनको बहुत सी सामग्री आपको देना चाहिए। अधिक से अधिक हमको हमारे घर के आसपास वृक्ष लगाना चाहिए और नियमित रूप से उन वृक्षों को जल देना चाहिए, पानी देना चाहिए। माता पिता बुजुर्गों की हमको सेवा करना चाहिए और माता पिता के पास बैठ करके शांति पूर्वक उनसे परिचर्चा करना चाहिए, उस समय माता पिता के साथ आपको व्यतीत करना चाहिए। और पांचवा उपाय यह है कि आप आपके व्यापार स्थल से, नौकरी से, दुकान से, कार्यालय से भी वापस आ रहे हैं तो घर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ भी आपको फल लेकर के आए, मिष्ठान लेकर के आए, घर की आवश्यकता की कुछ सामग्री लेकर के आए, कुछ ना कुछ हमको लेकर के आना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता उत्पन्न होती है, नकारात्मकता समाप्त होती है। सब कुछ होने के बाद भी यदि हमें मानसिक परेशानी है, चिंता है, तो इन सबसे आप मुक्त हो जाएंगे।